अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है। हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त रचनात्मक, सकारात्मक, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं और आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। ये खबरें, ये अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है। कल हमने देखा है, पिछले दिनों संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किसी के दायित्व के संबंध में पूरे देश ने एक संकल्प किया है। इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम चाहेंगे देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे। और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णय वाला बने। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है, सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। पिछले सत्र के बाद कोरोना की एक विकट परिस्थिति में भी
देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है। करीब 2,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसकी चिंता की गई है। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देशहित के निर्णय हम तेजी से करें, मिलजुल करके करें, सामान्य मानवी की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक तो सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद का शीत सत्र शुरू होने से पहले ये कहा कि वो चाहते हैं कि सभी मुद्दों पर चर्चा हो, जो विपक्ष भी चाहता है, उन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, बस सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। तो आज से शीत सत्र शुरू हो रहा है और विपक्ष ने जाहिर कर दिया है कि इस बार भी हंगामा होने के आसार है। सरकार 3 विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा पहले ही कर चुकी है और सत्र के पहले ही दिन सरकार इन्हें वापस लेने का विधेयक जारी कर सकती है। इससे पहले शीत सत्र की पूर्व संध्या पर सरकार की बुलाई सर्वदलीय बैठक में किसानों का मुद्दा ही हावी रहा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल नहीं हुए, वहीं आम आदमी पार्टी ने बैठक का बहिष्कार किया। यह कल की बात थी, लेकिन आपको बताएं कि संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। थोड़ी देर पहले अभी प्रधानमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, राष्ट्र को संबोधित किया और यह कहा कि आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और विपक्ष जो भी मुद्दे लेकर आने वाला है, सरकार के पास भी कई विधेयक हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर एक सार्थक चर्चा की जानी चाहिए और चर्चा हो सदन में, ये अपील की है प्रधानमंत्री ने सभी दलों से कि सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। और सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी फरहा का, इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं। फरहा, देखिए आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और सबसे अहम जो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि कृषि कानून जो है वो 3 कृषि कानून उसे वापस ले लिया जाएगा और शीतकालीन सत्र का ही इंतजार हो रहा था, तो सिर्फ कृषि कानून ही नहीं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज सदन में सार्थक चर्चा की अपील की है प्रधानमंत्री ने भी। बिल्कुल आरती, आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है और सबसे बड़ी बात यही है, जिस मांग के लिए किसान एक साल से इंतजार कर रहे थे वो मांग आज पूरी होगी, क्योंकि आज लोकसभा में कृषि कानून
निरसन विधेयक 2021 को पेश किया जाएगा। इसको पारित करने के लिए, विचार करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि अगर वहां से पारित हो जाता है तो आज ही इसको राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा। तो किसानों की जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं आज पूरी होती दिख रही है। बाकी भी मुद्दे हैं जिसको लेकर किसान चाहते हैं कि उन पर भी जो है सरकार जो है जवाब दे। और वही विपक्ष की अगर मैं आपको बात बताऊं तो विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। अभी कांग्रेस की जो है मीटिंग हुई, और चाहे वो भाजपा की बात करें कांग्रेस की बात करें, दोनों ने अपनी अपनी पार्टियों को व्हिप जारी किया था, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि पूरी तरीके से तैयारी से आना है। तो आज हंगामे की भी आशंका पूरी तरीके से दिख रही है, क्योंकि सुबह से ही देखने को लग रहा है कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए ऑल पार्टी मीटिंग में भी शांत दिखा कि किस तरीके से जो गुस्सा है वो दिख रहा है। और आज पूरी उम्मीद है कि इन विधेयक तो वापस लिया जाएगा और उसको पेश भी किया जाएगा, लेकिन जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से तैयार है, उनके पास मुद्दे हैं। देखिए किसान जो है MSP पर बात होनी है, प्रदूषण पर, पराली जलने पर, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी है, जो सरकार का जो वो है रुख सामने नहीं आया है। तो आज इस बिल वापसी को पेश किया जाएगा और इसको जो है केंद्रीय कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर पेश करेंगे। और साफ तौर पर यही देखना होगा कि किस तरीके से मुद्दे, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है और ये साफ दिख रहा है कि इस बार भी हंगामा जो है वो होगा। और अभी कुछ देर पहले जो है PM ने भी संबोधन दिया और साफ तौर पर ये कहा कि विपक्ष भी अपनी बात रखे। और देखिए सिर्फ यही विधेयक नहीं है, ऐसे 30 बिल जो है, क्योंकि देखिए 19 दिन का कार्यकाल है आती, इसमें चाहते हैं वो कि सारे विधेयकों पर बात की जाए, विचार हो, लेकिन एक अपील भी की गई है कि हंगामा ना हो और अपनी बात रखी जाए। तो आज सारी नजर, क्योंकि किसानों को भी बहुत उम्मीद है, और रही बात MSP और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर किसान अब भी इंतजार में है। एक साल से ज्यादा हो गया है प्रोटेस्ट को, और साफ तौर पर जो गुस्सा है किसानों का, देखिए जो बिल जो आएगा उसमें मैं आपको बता दूं कि बिल में साफ तौर पर ये मेंशन किया गया है कि किसानों का जो एक छोटा समुदाय है वो इस बिल से लगातार जो है वो नाराज है, उनको लेकर इस बिल को वापस लिया जा रहा है। तो उसमें पहले कॉन्स भी बताए गए हैं जो विड्रॉ होंगे, कि क्या क्या प्रोज उनके लिए लाए गए थे, क्या क्या उनके लिए अच्छाई थी, उन सबको, क्योंकि देखिए सबको साथ लेकर चलना है और एक साल से नाराजगी थी तो इसलिए उसको वापस लिया जा रहा है। तो जो आज का जो हम कहें कि जो शीतकालीन सत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि जो बिल वापस लिया जाएगा उसके बाद जो किसानों के और मुद्दे हैं उन पर कैसे जो है संकट बनता है, क्योंकि सरकार की बात नहीं है, किसानों का ही मुद्दा नहीं है। आप देखिए पेगासस भी है, महंगाई भी है, इस मुद्दे पर भी घेरने की विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है। और यही सब है कि आसार हैं कि संसद में सदन में हंगामा हो सकता है, विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। और शायद इसी को लेकर प्रधानमंत्री आए और ये कहा है, एक अपील की है कि सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, बस सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। जी बिल्कुल, मैंने पहले ही आपसे कहा कि 30 विधायक हैं, 30 टोटल जिन पर बात होनी है, और जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि सिर्फ कृषि कानून ही नहीं है जिसको लेकर वो बार बार घेर रहे हैं, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर बात होनी है। तो साफ तौर पर ये भाजपा को भी पता है कि जो विपक्षी दल है वो किस तरीके से, उनका जो गुस्सा है वो उनके अंदर है। और देखिए पहले भी चल नहीं पाया था हंगामे के चलते, तो ये एक साफ तौर पर अपील कर दी गई है कि सबकी बात सुनी जाएगी, सबके विचार जो हैं उन पर भी सोचा जाएगा, लेकिन एक स्मूथ वे में जो है पार्लियामेंट वो चले तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे में पिछली बार भी देखा गया जो मानसून सत्र है वो ज्यादा लंबे तक नहीं चल पाया। तो विपक्ष का जो कहीं गुस्सा है वो दिख रहा है कि सुबह से ही ये साफ दिख रहा है आरती कि पूरी तरीके से घेरने की तैयारी है, क्योंकि बार बार मीटिंग होना। और आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने साफ तौर पर ये ट्वीट कर आज कहा है कि आज तो किसानों का जो है उन पर ही बात होगी और अन्नदाताओं के लिए एक सूरज की किरण है, तो ये काफी बड़ी बात है। और उन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है कि किसानों के हित में आज उनको अपनी बात रखनी है। एक साल से जो किसान परेशान है, रोडों पर है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी बात को पहुंचाना है। देखिए सरकार तो झुक चुकी है साफ तौर पर आरती, लेकिन और भी अभी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विचार होना है। तो आज का जो शीतकालीन सत्र है वो बहुत
ज्यादा इम्पोर्टेंट है और विपक्ष की पूरी जो तैयारियां हैं वो सुबह से ही दिख रही हैं कि घेरने के लिए पूरी तैयारी है। चलिए तो आप नजर बनाए रखिए और भी अपडेट्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फरहा तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका। तो संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र में कुल 26 विधेयक लाए जाएंगे और जो तीन मुद्दे सबसे अहम है वो बताएं आपको कि कृषि कानून जो विधेयक वापस लेने का ऐलान पहले ही केंद्र सरकार कर चुकी है, आज उसे सदन में पेश किया जाएगा। और आपको बताएं कि विपक्ष ने इसके अलावा, आप देखिए किसानों के मुद्दे ही नहीं, इसके अलावा भी महंगाई है, पेगासस है और इससे जुड़े और भी कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना चुका है विपक्ष। और इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने यह अपील की है कि सरकार सभी मसलों पर चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। और भी झारखंड की खबरें हैं लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप देखते रहिए न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।